हेलो फ्रेंड्स, मैं जहीर खान, एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनर मुंबई से। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टीसीएल में मैपिंग और मिरर का सॉल्यूशन क्या होता है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर क्या है। आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है 32S6500S। तो इसी में एक टेक्नीशियन ने मदरबोर्ड डाला था। इस मदरबोर्ड का नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मदरबोर्ड डालने के बाद इसमें जो है उसका मिरर का फॉल्ट आया, जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियन को समझ में नहीं आता है कि इस तरह के फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें मिरर कैसे है आपको जो है आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो आप, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, जिसमें आपको जो है मैपिंग और मिरर का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो है इसका सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको रेगुलर रिमोट के बजाय नंबरिंग वाला रिमोट लेना पड़ेगा। इस तरह का रिमोट आपको के पास रहना चाहिए। ये आप रिमोट का फोटो देख लें। आप ऐसा रिमोट आपके पास होगा तो आप इसका सर्विस मोड ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये मार्केट में अवेलेबल है रिमोट। और सर्विस मोड ओपन करने के लिए इस मेनू बटन का उपयोग करना है आपको। मेनू प्रेस करने के बाद से जब आपको मेनू आ जाए तो फिर आपको मेनू प्लस 06258 प्रेस करना है। उसके बाद वापस मेनू प्रेस करना है और फिर जो है कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पे 107 मैंने डाला है, तो मुझे मालूम था कि इसको उल्टा को सीधा करने के लिए जो है कौन सा कोड लगेगा। उस हिसाब से मैंने डायरेक्ट 107 डाल दिया। आपको 001 से लेके 199 तक कोड डालने हैं। जो मैच हो जाए उसको छोड़ देना है। हाँ, इसमें एक सावधानी बरतना पड़ेगा आपको। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब कोड डालेंगे और कोड मैच तो हो गया, लेकिन उसमें नो पिक्चर हो जाएगा, नो डिस्प्ले हो जाएगा और स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, ना टीवी बंद करना है, टीवी ऑफ नहीं करना है आपको। जो है अगर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उस समय वापस आपको जो है ब्लाइंडली जो है मेनू दबाना है। उसके बाद जो कोड है उसको दबाना है 06258। वापस मेनू दबाना है और मेनू दबाने के बाद से जो है आपको वापस 001 डाल देंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट में था वो आ जाएगा। मतलब आपका जो पहले डिस्प्ले आ रहा था वैसा डिस्प्ले वापस आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे कभी ऐसा हो जाता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि अभी डिस्प्ले तो चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे क्या करूँ। उसको ब्लाइंडली सेट करना है आपको। और जब कोड मैच होगा तभी टीवी स्टैंड बाई में जाके और रीस्टार्ट होगा। अगर कोड मैच नहीं होगा तो टीवी स्टैंड बाई में नहीं जाएगा। तो आप समझ जाएं कि कोड मैच नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार कोड मैच होने के बावजूद भी जो है आपका नो डिस्प्ले हो जाता है, तो वहाँ पे आपको नहीं घबराना है। नो डिस्प्ले हो गया कोई बात नहीं, आपको वापस वही प्रोसीजर अपनाना है जो पहले आप कर रहे थे। मेनू 06258 मेनू और उसके बाद से 001 डालिए तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा वापस। फिर आप दूसरा ट्राई कीजिए। तो ये इसमें बोर्ड लगा है और बोर्ड जो है इसमें एलवीडीएस थोड़ा चेंज था, जो दूसरा बोर्ड टेक्नीशियन ने चेंज किया था। तो उसके वजह से जो है यहाँ पे एक एलवीडीएस कन्वर्टर इस्तेमाल किया है उस टेक्नीशियन ने, जिससे आप देख सकते हो कभी फ्यूचर में आपके भी काम आएगा। इस तरह के एलवीडीएस कन्वर्टर बोर्ड जो है
आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके जरिए से आप जो है आप नॉन एचडी को फुल एचडी कर सकते हो, फुल एचडी को नॉन एचडी कर सकते हो। आप जो है छोटे एलवीडीएस कनेक्टर को जो है बड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। हर सुविधा अभी मार्केट में अवेलेबल है और आपको अपने ज़रूरत के अनुसार मार्केट से ले लेना है। तो आइए देखते हैं इसमें जो पैनल है वो कौन सा है। तो इनोलॉक्स का पैनल लगा हुआ है इसमें। और अब यहाँ से हमें जो है मैनुअल मैपिंग करना है। मिरर तो हमने वहाँ कोड से कर दिया था, अब मैपिंग के लिए यहाँ पे जो है हमें मैनुअली जो है ट्राई करना है। और आप लोग जो है जैसे पहले से ही काम करते आ रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि मैनुअल मैपिंग करने के लिए हमें कौन से पिन को ध्यान में रखना है। तो आइए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सप्लाई और ग्राउंड के बाद जो है जो पिन रहता है उस पे लिखा रहता है एलवीडीएस सेलेक्ट या सेलेक्ट एलवीडीएस। तो आपको उसी पिन को जो है ट्रेस करना है और उस पिन पे जो है आपको सप्लाई लेना है। ज़्यादातर ये पिन नंबर 9 ही होता है मोस्टली पैनल में, तो आपको उसमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। आप यूँ समझ जाएं कि सप्लाई के बाद से जो है पैनल बीसीसी है, उसके बाद से जो है ग्राउंड और ग्राउंड के बाद से जो है आपका सेलेक्ट एलवीडीएस का पिन होता है। उस पे आपको देख लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिल रहा है, शो हो रहा है 3.3 वोल्ट। तो अगर आपका 3.3 वोल्ट आ रहा है तो उसको ग्राउंड करना है, और अगर कोई वोल्टेज नहीं है तो उसको 3.3 वोल्ट देना है। तो इस केस में जो है 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो मदरबोर्ड के साइड से जो है हमने रजिस्टर को ओपन कर दिया है, और जो मदरबोर्ड में जा रहा था कनेक्शन उसको डिसकनेक्ट कर दिया है, और रजिस्टर के दूसरे एंड से हमने एक जम्पर वायर लेके उसको ग्राउंड कर दिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो है जो मदरबोर्ड को 3.3 वोल्ट जा रहा था वो डिसकनेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो है हमने उसको ग्राउंड कर दिया सेलेक्ट पिन को। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जो है अगर कोई सेट आता है तो मैनुअली आपको मैपिंग क्लियर कर लेना है। और ये जो है हमारा आप देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो है मिरर भी ओके हो गया और मैपिंग भी ओके हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एलसीडी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बहुत ही कम समय में हमारे पास एलसीडी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहता है। और जो है आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो अगर आप एलसीडी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ क्लासेस रहता है हमारा कंटिन्यू, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा सेट जो है 100% क्लियर हो गया है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमर हैं तो प्लीज़ अपने हाथ से कुछ ना करें,